हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरे कृष्णा आर्ट्स। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही देखो सुंदर सी, बहुत ही डिज़ाइनर, बड़ी प्यारी सी ड्रेस। इस सुंदर सी पोशाक को बनाने के लिए देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये स्टफ लेके फैब्रिक के ऊपर और 5.5 इंच का, देखो 5.5 इंच का गोला बनाना है। इधर से भी 5.5 इंच, मतलब हमें बनाना टोटल 5 इंच का है और उसके लिए पहले हमको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, 5.5 इंच। या फिर एक और तरीका है, ये तो मैं तरीका आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसका 4 तह बना के इसकी, और उसके बाद में इंची टेप से यानी कि 2.5 इंच, ये देखो लगभग 2.75 इंच करीब, इस तरह से गोला बनाते जाएंगे। एक तो तरीका ये है और एक तरीका ये है कि हम ये देखिए, ये है ना अपना ढक्कन, इससे एक सर्कल बना लेंगे इस तरह से। ये भी लगभग वही 5.5 इंच बैठता है, मैं आपको नाप के बताती हूँ अभी। ये देखिए, ये देखिए लगभग 5.5 इंच है, बल्कि फिक्स 5.5 इंच है। ठीक है, ऐसे दो गोले काट लेते हैं और दोनों गोले काटने के बाद ये कुछ इस तरह, ये दो गोले काटने के बाद इस तरह से बन जाएंगे। अब इन दोनों फैब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर रख के और इसके चारों तरफ सिलाई लगाते हैं। चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा हमने ये छोड़ दिया क्योंकि हमको इसको सीधा करना है। सीधा करने के लिए इस तरह से सीधा कर लेंगे इसको, और ये आपका गोला बनके तैयार हो गया। ये करीब तैयार जो है हमारा वो 5 इंच का बैठेगा, मैं भी आपको नाप के दिखा देती हूँ, लगभग 5 इंच का बैठा है। ये देखिए लगभग 5 इंच ही बैठा है, थोड़ा बहुत कम है, इसको प्रेस लगा के सीधा कर लेंगे बिल्कुल। अब हम इसका बिल्कुल सेंटर बीचों बीच जो है वहाँ पर कमर के लिए काट लेते हैं, और कमर के लिए कुछ इस तरह से काटते हैं। देखो ये देखिए, ये कमर कान्हा जी की काफ़ी रहेगी। थोड़ा सा और अगर काटना हो थोड़ा सा और काट सकते हैं, अगर आपके बड़े कान्हा जी हैं तो, मेरे तो छोटे कान्हा जी हैं तो इतना मेरे को आराम से आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से बीच में से जो है इसको काट लेंगे। इससे पहनाने में सहूलियत रहती है, ये इस तरह से बन जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर के फैब्रिक्स लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 6 कलर्स लिए हैं, और आप चाहें तो 2 कलर्स का भी इसको बना सकते हैं। अब मैं आपको एक कलर की पत्ती बना के दिखाती हूँ। जैसे ये ऑरेंज कलर का कपड़ा है, और इस ऑरेंज कलर के कपड़े में हम 8x8 यानी कि 8 इंच लंबा और 8 इंच ही चौड़ा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच लंबा हो गया और ऐसे ही 8 इंच चौड़ा, ये लगभग यहाँ तक बैठ रहा है। तो इसको हम चौकोर काट लेंगे, और ये चौकोर ये देखिए मैंने काट के तैयार कर लिया है। अब इससे पत्ती बनाना देखते हैं किस तरह से बनानी है। तो आपको पहले एक बार ऐसे मोड़ना है इसको, ठीक है, अब इसके बाद में इसको ऐसे मोड़ना है, और ये मोड़ने के बाद में अब मैं आपको इसकी सिलाई लगा के बताती हूँ सिलाई कैसे लगानी है।
तैयार हो गई है। इस तरह से मैंने डिफरेंट कलर्स की, जितने कलर लगाने हैं उतने सारे कलर्स की देखो पत्तियाँ बना ली हैं। और अब इनको किस तरह से लगाना है गोले पर वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गोला है, इसके ऊपर हमको सुई धागे से ही इनको लगाना है। और सुई धागे से लगाने के लिए इस तरह से लगाना है, देखो मैं आपको एक बार लगा के बता देती हूँ। ये इस तरह से, अब आप इसमें से ये वाला कलर हटाना चाहें तो ये वाला लगा लीजिए, ये थोड़ा खिला हुआ कलर है, सुंदर लग रहा है, ठीक है। अब इसको आपको सुई धागे से सिलना पड़ेगा, सुई धागे से सिल के मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए मैंने सिल कर तैयार कर दिया है, देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये ओपन रहेगा, पहनाने में सहूलियत रहेगी इसलिए। और देखो पूरा अटैच कर दिया है इसको चारों तरफ से, और ये नीचे वाला जो था ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसकी चोली। चोली बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये 1.25 इंच चौड़ी, 1.5 से 1.25 इंच चौड़ी, और 9 से 9.5 इंच तक, बल्कि 10 इंच ही कर लीजिए, 10 इंच तक लंबी हमको पट्टी लेनी है। मैं आपको अभी नाप के बताती हूँ, ये देखिए 10 इंच तक लंबी पट्टी ले लेंगे आप, ठीक है। इसको यहाँ से एक्स्ट्रा काट देते हैं। अब चूंकि ये 2 पट्टियां हैं तो इसलिए इनको हम आधा आधा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये 2 पट्टियां बनके तैयार हो गई हैं। अब पहले की तरह जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे इसको बीच में से, और उसके बाद में इनको यूँ उल्टा करके इस तरह से यहाँ पर से और यहाँ पर से सिलेंगे। अभी मैं सिल के आपको दिखाती हूँ। ये सिल कर तैयार हो गया, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये बन गया। अब हम इसको नाप लेते हैं, ये देखिए इसको नाप लेते हैं, लगभग ये बैठेगा 4.5 इंच। अब इस 4.5 इंच को हम इस तरह से यहाँ पर इसको जोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है। मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए बनकर तैयार हो गया है, पूरा लगा लिया है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। डेकोरेट करने के लिए देखो यहाँ से खुला हुआ है, अब इसको सामने यहाँ पर एक फ्लावर लगाएंगे। वो फ्लावर मैंने तैयार कर लिया है, देखो ऐसा ही मैं आपको दूसरा फ्लावर आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। तो उसके लिए हमने 1.5x1.5 के ये देखो ये टुकड़े काट लिए हैं सभी कलर्स के, ये देखिए, और इनको इस तरह से मोड़ना है जैसे हमने ये वाले बनाए थे ना, इसी तरह से बनाने हैं। ये इस तरह से मोड़ के मैं आपको एक फ्लावर बना के दिखा देती हूँ। हम इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे इस जगह पर, मैं अटैच करके अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्लावर अटैच कर दिया है मैंने। अब फ्लावर अटैच करने के बाद में इसको थोड़ा सा डेकोरेट और कर लेते हैं। ये वाली लेस जो है इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ऐसे चारों तरफ लगा देंगे सभी में, चारों तरफ लगा देंगे सभी में।
देखिए ये बन के तैयार हो गई है। अभी मैं आपको इसको पहना के दिखाती हूँ। और मैंने इसके साथ में एक चीज़ और बनाई है, देखो बहुत सुंदर सी माला बनाई है, बिल्कुल मैचिंग की, सारे कलर्स लगाए हैं और देखिए बहुत ही सुंदर लगेगी। देखो ये मैंने ड्रेस पहना दिया कान्हा जी को, और देखो कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। ड्रेस बहुत ही प्यारी लगी है, बहुत ही प्यारी बनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।